नमस्कार जी, मैं मंजू। मई की आज 5 तारीख हो गई है और मैं जल्दी जल्दी से कैमरा घुमा के आपको दिखाती हूँ कि इस पहले हफ्ते में मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल खिल रहे हैं। तो ये तो आप देख ही रही हैं, ये मैंने वीडियो में भी दिखाया। गुलाब छोटे छोटे हैं पर सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। नेट के नीचे रखे हुए हैं और साइड से हल्की धूप आती है, ऊपर से भी हल्की धूप आ रही है। तो ये मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। और अगला फूल मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा मेरे गार्डन में खिल रहा है। धूप बहुत तेज है, पता नहीं मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ, तो ये कैमरे का एंगल ठीक से नहीं आ रहा है। ये जैस्मिन मोगरा बहुत ही बढ़िया तरीके से ये खिल रहे हैं। ये अप्रैल महीने से काफ़ी दिन हो गए हैं इसको खिलते हुए, खूब सारे इस पे ये फ्लावर बर्ड्स आए हैं। तो साइड से धूप भी आ रही है और मैंने इसे नेट के नीचे रखा हुआ है, जैसे कि ये देख रहे हैं। तो फूल जैसे खिलते हैं वैसे ही इतनी तेज़ गर्मी में ये ऐसे होने लगते हैं इस तरह से। तो खूब सारे फ्लावर बर्ड्स आए हुए हैं, तो ये दिखाती हूँ, ये देखिए। तो जैस्मिन मोगरा ये मेरे यहाँ जो है ये खूब फ्लावर बर्ड्स आए हुए हैं और ये खिल रहा है इस तरह से, बहुत ही खुशबूदार। तो अगले जो फ्लावर्स ये दिखा रही हूँ, तो ये मेरे यहाँ कैक्टस ये खूब खिल रहे हैं। तो कई सारे, कोई तो नवंबर महीने में खिलना शुरू हुए थे और अप्रैल तक खिले थे। तो अलग अलग तरह के अपने अपने टाइम में, वो विंटर में खिलना स्टार्ट होते हैं और कई जो है अप्रैल से, ये अप्रैल से खिलना स्टार्ट हुए हैं और अभी तक लगातार खिल ही रहे हैं। और अगला प्लांट है ये, मैंने जो बोतल में छोटा सा गार्डन बना रखा हुआ है, ये जैस्मिन। तो ये बहुत ही दिनों से जो ये चांदनी मेरे यहाँ इसमें खिल रही है। वैसे नीचे मैंने प्लांट लगा रखा हुआ, वो तो पूरा फूलों से भरा हुआ है नीचे घर के आगे, जो सड़क के किनारे मैंने लगाया हुआ है। तो ये इसमें छोटी खुराक मिल रही है, थोड़ी सी खुराक मिल रही है, फिर भी देखिए लगातार इस पे वीडियो भी मैंने डाला था, इतने सारे फ्लावर बर्ड आए हुए हैं और ये लगातार खिले ही जा रहे हैं। तो ये लगा है इसमें इतना छोटा सा बोतल में। और अगला वाला फ्लावर मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगले वाले फूल हैं, ये एस्टर मेरे यहाँ ये खिल रहे हैं। तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है तो थोड़े ऐसे हो गए हैं, पर फिर भी ये खिल रहे हैं फूल, अभी इन पे लग रहे हैं, दे रहे हैं ये मुझे फूल। अगला फूल जो है ये कॉसमोस भी मेरे गार्डन में, ये प्यारा सा, ये देखिए ये भी खिल रहे हैं। तो इसके फूल भी कॉसमोस के बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनके साथ साथ ये अडेनियम भी लंबे टाइम से ये खिल ही रहे हैं और न्यू न्यू ग्रोथ भी खूब सारी हो रही है और ये फ्लावर बर्ड्स भी इन पे खूब आ रहे हैं ये इस तरह से। तो अगला फूल ये गोमफ्रेना, मेरे यहाँ खूब सारे कई गमलों में ये खिल रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप। और इनके साथ साथ ये मैंने बालसम के लगाए हुए, ये भी काफ़ी दिनों से ये खिल रहे हैं मेरे यहाँ। बाकी ये बिंका, कई तरह के बहुत दिनों से ये गार्डन में खिल रहे हैं। उसके साथ साथ ये समर पॉइंसेटिया, ये भी लंबे टाइम से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये शोभा बढ़ाए हुए हैं गार्डन की, इतनी गर्मी में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगला फूल जो मैं दिखा रही हूँ, ये प्यारा सा कोक्सकोम भी मेरे यहाँ खिल रहे हैं। ये बिंका कुछ इस कलर के भी आ रहे हैं। और अगला जो फूल मैं दिखा रही हूँ, ये ग्लाडिया भी मेरे यहाँ ये खिल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। और मैंने आज जो प्लांट्स आपके सामने ग्रो किए थे तो उन्हें ट्रांसप्लांट किया है। ये देखिए, तो अगला फूल जो मेरे यहाँ ये खिल रहा है, ये गजानिया भी, ये भी लंबे टाइम से मेरे यहाँ खिल रहे हैं। तो मई का पहला हफ्ता आ गया है, अभी तक ये खिल ही रहे हैं और ये खूब सारे इन पे फ्लावर बर्ड्स भी आए हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि गर्मी ज़्यादा होने से इनके जो फूलों का साइज़ है वो थोड़ा कम हो गया, छोटा हो गया है, पर फिर भी ये खिल रहे हैं। अगला फूल जो है मेरे यहाँ मोस रोज़ खिल रहे हैं, मैं इन्हें खिलने नहीं दे रही क्योंकि
क्योंकि ये थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं प्लांट, तो मैं इनकी कटिंग कर करके कहीं कहीं लगा दे रही हूँ। तो ये अलग कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर, और ये अलग कलर है, और एक इसमें ये खिला हुआ है, तो ये भी कई रंगों के हैं मेरे यहाँ, ये भी खिल रहे हैं। और अगला ये फूल है पर्सलिन, भी मेरे यहाँ खिलना स्टार्ट हुआ है, ये भी कई रंगों के हैं, ये येलो कलर के हैं, एक ये कलर है, और भी मैं दिखाती हूँ, और भी कई कलर के हैं, पर ये बरसात में ज़्यादा अच्छे से खिलते हैं। अभी तो ऐसे ही कोई कोई फूल मतलब कम कम आते हैं इस टाइम। अगला जो फूल है ये मेरे यहाँ पिटूनिया, ये देख रहे हैं कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है ये है, और वाइट कलर वाले भी अभी खिल रहे हैं ये है, और विंका इस तरह का भी, ये विंका मेरे वाइट कलर के भी हैं, और भी कई तरह के हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये विंका इस तरह के भी हैं, तेज़ धूप में ये टोकरी पड़ी है तो इनकी पत्तियाँ जो हैं पीली होने लगी हैं, तो मैं रोज़ ही सोचती हूँ कि इसे थोड़ी हल्की छाया में रखूँगी, जहाँ पे छाया और वो हो, तो ये उठाऊँगी, तो इस कलर के भी ये खिल रहे हैं। बाकी ये देसी गुलाब भी कई दिनों से ये खिल ही रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, बड़े खुशबूदार होते हैं ये। और अगला फूल ये कोरियोप्सिस, लंबे टाइम से मेरे गार्डन में ये अभी खिल ही रहे हैं, तो कब से खिल रहे हैं ये कोरियोप्सिस, ये भी बहुत ही खूब लगते हैं। अगला फूल जो है ये नेट आ गया, ऊपर गिर गया, ये देखिए, ये लंबे टाइम से ये कश्मीर बुके, तो इसकी कलियां जो हैं ये नेट आने से ये थोड़ी ऐसी हो गई हैं, नेट झूल गया, तो नेट इस बारी मैंने खुद ही बांधा था, बस जैसे तैसे बांध लिया ऐसे, और ये प्लांट को इसने ऐसे ख़राब कर दिया है, इससे ये टकरा टकरा के, तो ये बहुत ही अच्छे छोटे छोटे गुलाब लगते हैं खुशबूदार, ये देखिए, तो इससे ये हो गया, तो ये बहुत लंबे टाइम से मेरे गार्डन में ये खिल रहे हैं, तो नेट ऐसे झूल रहा है, बिल्कुल नीचे हो गया है ये नेट मेरा। ये अगला फूल है जो ये डॉग फ्लावर, ये दिख रहे हैं ये वाइट कलर के, तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो बहुत तेज है, तो ये भी मेरे यहाँ ये डॉग फ्लावर भी ये खिल रहे हैं, ये इस तरह से ऐसे खिल रहे हैं, तो गर्मी में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये, ठीक से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ इनको। और बाकी ये समर पॉइनसेटिया, तो मैंने बहुत सारे ढेर सारे ये ग्रो कर रखे हुए हैं, तो ये खिलते ही रहते हैं। ये इस तरफ थोड़ी छाया आ रही है, ये बिंका कुछ इस तरह के भी हैं, और ऐसे भी हैं, और ऐसे इकट्ठे इकट्ठे इस तरह के भी ग्रो किए हुए हैं मैंने, और बिंका मेरे यहाँ इस कलर के भी ये खिल रहे हैं। ये क्राइसेंथेमम के भी फ्लावर वर्ड कई सारे ये खुलने को हैं, तो ये कल तक ये भी मेरे यहाँ खिल जाएंगे, और कई जगह में जैसे लग रहे हैं ये, धूप के कारण ये थोड़े परेशान तो हैं, पर फिर भी ये देखिए ये लग रहे हैं और ये अब खिलेंगे। ये हिबिस्कस भी मेरे यहाँ खिल रहा है, जल्दी जल्दी दिखाती हूँ वीडियो, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये कोसमोस भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये भी खिल रहे हैं, और इस तरह से सीड भी इनका तैयार हो रहा है, ये नेट के नीचे रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे धूप भी आती है साइड से इनको मिलती है। अगला फूल जो है ये डायमोर्फोटिका भी मेरे यहाँ ये खिल रहे हैं, और कुछ कुछ जो ये भी, अब तो ये ख़त्म ही होने, जून महीने तक ये कुछ कुछ फूल इन पे आते ही रहते हैं, ये देसी वाले जो कैलन कोई होते हैं, तो इस तरह से ये खिल रहे हैं, तो मैंने गमला उठा के ये रख दिया है साइड पे, थोड़ी धूप साइड से इसे आती रहती है। और पिटूनिया का ये कलर भी धूप से कैसा हो गया है, तो ये भी खिल रहा है, ये देखा पिटूनिया का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाकी ये फाउंटेन ग्रास के भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो ये भी गर्मियों पर खिलते ही रहते हैं, ये देखा आपने। ये प्यारे से जीनिया भी मेरे यहाँ खिल रहे हैं, ये खूबसूरत हमीलिया भी पूरा साल भर ये खिलते रहते हैं, और परमानेंट प्लांट है, तो ये इन पे फूल आते ही रहते हैं। तो आज मैंने इसकी थोड़ी जगह चेंज कर दी है कि इस पे थोड़ी धूप मिले, क्योंकि इस पे मिली बग्स लगना स्टार्ट हो गया है, तो कहीं कहीं मैं दिखाती हूँ आपको, ये कहीं एक ये दिख रहा होगा वाइट कलर का ना,
तो धूप की कमी हो तो वो भी मिली बग्स बहुत अटैक करते हैं, तो मैं इन पे कोई स्प्रे वगैरह करूँगी। ये पिटूनिया वाइट कलर के भी आ रहे हैं, ये मोस रोज येलो कलर के भी ये खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आप छोटी छोटी बोतल में भी ग्रो कर सकते हैं। नेट के नीचे रखा है, शायद मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। बाकी ये सलाद पत्ता के छोटे छोटे येलो कलर के ये फ्लावर्स ये देख रहे हैं, ये उस दिन चुनना सिखाया था, तो ये फूल होते हैं इनके, ये खिल रहे हैं। बोगनवेलिया जो मैंने ट्रांसप्लांट किए ये छोटे छोटे पौधे, तो उन पे भी ये फूल आ रहे हैं। बाकी ये डाइनथस ये देख रहे हैं खूबसूरत से, तो ये डाइनथस भी मेरे यहाँ खिल रहे हैं, और खूब सारे इन पे फ्लावर वर्ड्स आए हैं। बस गिलहरियाँ छोड़ दी, छुपा के रखा हुआ है नेट के नीचे, तो बच जा रहे हैं। बाकी गमले में जो मैंने कनेर लगा रखे हुए हैं, तो अब ये फूल उनके हो गए हैं, झड़ गए हैं, तो ये कुछ कुछ फूल ये नेट के नीचे ठीक से दिख नहीं रहे होंगे, ये इस तरह से ये लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे गार्डन के ये कुछ फूल आपको पसंद आए होंगे, और जो जो मुझे याद आया और सामने दिख गए वो मैंने आपको दिखाए हैं। और नमस्ते जी, शुक्रिया।